हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड ऑप्शंस आर लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, मे लाई विद इन, आउटसाइड, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, लाई ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, लाइज ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। ओके, तो इसका लिखते हैं कि कॉन्सेप्ट हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेसिकली होता क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी बॉडी का वह पॉइंट जहां पे पूरे बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। इट इज द पॉइंट वेयर ऑल मास ऑफ द बॉडी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। ओके, और एक कहीं भी हो सकता है, कैन लाई इन साइड, आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। देखिएगा, अगर रॉड मानते हैं इस तरह से, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास जो होता है इसके मिड पॉइंट यहाँ पे, इसके सरफेस जो होता है इसका मास एम मान लेते हैं, सरफेस पे जहाँ पे मास ऑलरेडी है। ठीक है, एक डिस्क लेते हैं, डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है जहाँ पे मास होता है। एक रिंग लेते हैं, तो डिस्क है, रॉड और ए रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है जहाँ पे कोई भी मास नहीं होता। ठीक है, तो ये कहीं भी हो सकता है, कैन लाई एनी वे। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।